नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल बजाज से सीखो पर। आज क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल के बारे में जानते हैं। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक क्या होती है वर्किंग कैपिटल भाई, तो जानते हैं फटाफट इसको। जिन लोगों ने अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करा, पहली बार आया चैनल पर, फटाफट भाई सब्सक्राइब करो जाके, और उसके बाद देखो बहुत सारी वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा सिर्फ यहीं पर। शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल को दोस्तों मतलब सिंपल कहूँ तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए चाहिए, जो डेली बेसिस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए चाहिए, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, आपके काम को मेंटेन करने के लिए चाहिए, आपकी वर्किंग के लिए चाहिए, वो सारा पैसा दोस्तों आता है हमारा वर्किंग कैपिटल में। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है दोस्तों वो भी जान लेते हैं। इसमें वो सारा खर्चा जो आपको डेली ऑपरेशंस में हेल्प करेगा, चाहे वो बिजली का खर्चा हो, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड का खर्चा हो, ये सारा खर्चा हमारा दोस्तों आता है किसके अंदर, हमारी वर्किंग कैपिटल में। रॉ मटेरियल लेकर आना, ये सारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है हमारे पास। मशीनरी को ऑपरेट कराने के लिए फ्यूल लेकर आना, ये सारा भी हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, एक हमारे पास होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारे सिर्फ करंट एसेट शो करती है, जिसमें हमारे पास आता है क्या क्या आता है दोस्तों आप बहुत अच्छे जानते हैं। इसमें आते हैं पास हमारे पास इन्वेंट्रीज, इसमें आता है हमारे पास रॉ मटेरियल, इसमें आते हैं हमारे पास बिल रिसेबल सारे के सारे, इसमें आते हैं हमारे पास डेप्टर्स हमारे जितने भी हैं सारे के सारे, ये सब लोग हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रोस वर्किंग कैपिटल में। जबकि नेट वर्किंग कैपिटल एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज शो करके चलती है कि हमारे करंट एसेट कितने ज़्यादा हैं हमारी करंट लाइबिलिटी से, इसको कहा जाता है दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस में जहाँ सिर्फ करंट एसेट्स हैं, नेट में कितने करंट एसेट ज़्यादा हैं हमारी करंट लाइबिलिटी से, ये फ़र्क पड़ जाता है। बस दोनों में इतना सा फ़र्क है, आपको ध्यान रख के चलना है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसने हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बजा रखी है बैंड। सबसे पहला फैक्टर इसके अंदर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग, एक का नाम है ट्रेडिंग। ये मैंने आपको फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स में भी बताए थे, जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे समझाया गया है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह के नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपको ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, जबकि ट्रेडिंग के काम में वर्किंग कैपिटल की इतनी नीड नहीं है। क्यों है मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा वो भी बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको काम करना है, आपको रॉ मटेरियल मैनेज करना है, आपको इन्वेंट्री भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी लेबर टर्नओवर भी बहुत अच्छा खासा रहेगा, आपको लेबर मेंटेन करके चलनी है, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मेंटेन करने हैं, मशीनें हैं बहुत ज़्यादा उस पर डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है उन मशीनरों में, जो हमारे जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है फ्यूल वगैरह के वो भी ज़्यादा होंगे, इसलिए आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी मैन्युफैक्चरिंग में। जबकि ट्रेडिंग में मशीनें नहीं होती, इन्वेंट्री भी मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग के मामले में, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम हो गई। दूसरा आता है हमारे पास स्केल ऑफ ऑपरेशन। दो तरह के स्केल होते हैं दोस्तों, एक का नाम है स्मॉल स्केल, एक का नाम है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में काम बड़ा है, स्मॉल स्केल में काम छोटा है। लार्ज स्केल वाला काम बड़ा, काम बड़े लेवल का तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, बड़े लेवल की चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। जबकि अगर मैं छोटे लेवल का काम कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कंपैरेटिवली मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें हमारे दोस्तों आता है, उसका नाम है बिजनेस साइकिल। देखिए बिजनेस साइकिल कहता है कि हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो चार फेजेस पे चलती है हमारे पास। अगर आप इसके दो फेज लेना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं कि एक तो होता है हमारा बूम फेज और एक होता है हमारे पास डिप्रेशन फेज। बूम मतलब जब हर चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, और जो हमारा बेन कह सकते हैं या जो डिप्रेशन वाला फेज़ होगा उसमें चीज़ों की डिमांड हमारे दोस्तों बहुत कम होने वाली है। जब चीज़ों की डिमांड ही नहीं है तो भाई क्या करोगे बना के, और बूम पीरियड में जब डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप भी कहोगे भाई बनाओ 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 ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि मार्केट से डिमांड आ रही है, बनाओ बेचो पैसा कमाओ। तो बूम पीरियड में ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और डिप्रेशन पीरियड में जब डिमांड नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है, उसका नाम है हमारे पास सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर क्या कहता है, अगर आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका सीजन आ गया है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जानी चाहिए। और अगर आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका सीजन चला गया है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी और आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आप एक वुलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं जिसमें वुलन गुड्स बनते हैं सारे के सारे, जैकेट शॉल वगैरह सब चीज़ें बनाते हैं हम लोग। तो विंटर का सीज़न जब आने वाला है
या विंटर का सीजन आ गया है उस टाइम आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी, और जैसे ही विंटर का सीजन गया वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली सी बात है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंपेटिवली। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है, इसका नाम है हमारे पास प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितना समय लगता है उसको प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। सिंपल कहें तो बनाने से लेके मार्केट तक पहुंचने तक जो भी टाइम लग रहा है उसको प्रोडक्शन साइकिल कहा जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 500 दिन, तो जो लेबर काम करने वाली है वो तो वेट नहीं करेगी पैसे के लिए कि भाई प्रोडक्ट बिकेगा, पैसा आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें लेबर को, रॉ मटेरियल सप्लायर को, इन सबको जो है डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर पैसा देना पड़ेगा। वो लोग 400-500 दिन तक वेट नहीं कर सकते, तो मजबूरन मुझे अपनी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर मेरी प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है, अगर प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन करनी पड़ेगी ज़्यादा। लेकिन अगर दोस्तों मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसकी प्रोडक्शन साइकिल छोटी सी है, जिसको बनने में मात्र 1-2 घंटे लगते हैं या मुश्किल से मुश्किल 1 दिन लगता है और अगले दिन मार्केट में पहुंच जाता है वो वाला प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि लेबर को हम लोग हैंड टू हैंड प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा, पैसा आएगा और लेबर को पैसा हम दे देंगे। इस कंडीशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे हम लोग। इसी में हमारे पास दोस्तों अगला पॉइंट आता है, उसका नाम है क्रेडिट अलाउड। अगर आप माल बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको उधार पे बेचे जा रहे हैं, 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 तो उधार पर प्रोडक्ट बेचने पर लोगों तक जब आप उधार देंगे, ऑटोमेटिकली सी बात है तो आपके डेप्टर्स बढ़ जाएंगे सारे के सारे। और अगर ये बढ़ जाते हैं तो मेरे पास पैसा आने में लगेगा टाइम, बहुत टाइम लगेगा पैसा आने में। लेकिन भाई मैं क्या करूँ, मुझे तो लेबर को पैसा देना देना है, रॉ मटेरियल वाला सिर पे खड़ा है, भैया पैसे दो, तो मेरे लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, मुझे ज़्यादा मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अगर उधार पे माल बेचना है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और इसी में हमारे पास अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है क्रेडिट अवेल। अब हमारी बारी है, अब हमें उधार पे मिल गया, मज़ा आ गया भाई, और क्या चाहिए। अगर हमें उधार पे मिल जाता है तो मुझे जो है, जिस इंसान ने मुझे उधार दिया, मुझे उसको पैसे देने हैं बहुत लंबे टाइम में, हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का उधार है, तो 6 महीने तक मुझे उसको पैसा नहीं देना, तो कंपैरेटिव मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। बस अब मुझे लेबर के खर्चे, ये सारे खर्चे निकालने हैं, लेकिन रॉ मटेरियल वाले को मुझे पैसा देना नहीं, क्योंकि उसने मुझे उधार दे रखा है 6 महीने का या 3 महीने का। तो कंपैरेटिवली मेरी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मुझे उधार मिल गया है। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसके अंदर आता है, इस पॉइंट का नाम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लेते हैं, अपने काम करने के लेवल को बढ़ा देते हैं, बढ़िया लेवल पे काम करते हैं, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करते हैं, एक जज्बा है आपके अंदर काम करने का, तो आप काम करने की जो कॉस्ट है उसको आप ऑटोमेटिकली कम करना शुरू कर देंगे। जो रॉ मटेरियल आपके पास है आप उसका यूज़ जुडिशली करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे, जो एफर्ट्स आप लगाएंगे वो बेस्ट से बेस्ट लगाएंगे। अगर आप ये सब कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, रॉ मटेरियल का यूजेज भी कम हो जाएगा। जब यूजेज ही कम हो जाएगा तो मैं मंगाऊंगा भी कम, और मंगाऊंगा कम तो ऑब्वियसली बात है मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने खर्चा बचा लिया अपने लेवल ऑफ एफिशिएंसी से। बढ़िया एफिशिएंसी के साथ मैं कम से कम रॉ मटेरियल में भी, कम से कम इनपुट के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना सकता हूँ। इसी को हम क्या के चलते हैं दोस्तों, इसी पॉइंट का नाम है हमारे पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बाय चांस जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए या जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर वो नहीं मिलता, पूरे साल वो रॉ मटेरियल आता ही नहीं, सिर्फ मात्र 5, 10, 15, 20 दिन महीने में आता है, पूरा पूरा यही आता है और नहीं आता, तो आपको पूरा रॉ मटेरियल खरीद के रखना पड़ेगा एक ही बार में पूरे साल का, तो भाई अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको हर दिन रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल नहीं है जो आपको मिले ना बाजार से, हर दिन मिल जाता है, पूरे साल मिल जाता है, तो आपको रॉ मटेरियल को एज अ बल्क स्टॉक मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है, बल्क में रखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली क्या होगी, कम हो गई। जैसे छोटे से एग्जांपल लेता हूँ, जो भी कंपनी जामुन का जूस निकालती है, जो जो रियल वगैरह का जूस आता है, तो उनको जामुन का सीजन आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं दोस्तों, सिर्फ साल में 10-15 दिन का आता है, उसके ऊपर नहीं आता, तो उन्हें पूरे साल के लिए जो स्टॉक है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा उस 10-15 दिन में, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। 15 दिन में पूरे साल का स्टॉक, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा दोस्तों हमें इसके अंदर। इसी में हमारा दोस्तों अगला पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट।
अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात, आप तरक्की करना चाहेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखो, अगर आप तरक्की नहीं करना चाहते तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप कम रखना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटर से अगर नेक टू नेक फाइट करनी है, पूरा टक्कर होनी चाहिए अच्छी खासी, तो भैया पैसा तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो दो बनाएगा हम चार बनाएंगे, वो चार बनाएगा हम आठ बनाएंगे, हमें अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा। कंपटीशन में हमें ऑब्वियसली बात है काम को बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, ज़्यादा लेबर यूज़ करनी पड़ती है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जिस मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। लास्ट पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है उसका नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। भाई बहुत खतरनाक चीज़ है, आपने सुना होगा कि महंगाई डैन खाई जात है, लोगों को परेशान करती रहती है महंगाई, बहुत बुरा हाल कर देती है महंगाई। महंगाई हमारी क्या कहते हैं, अगर हमारे पास 1,000 रुपये है और महंगाई आती जाती आती जाती आती जाती, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो 1,000 रुपये भी इनफ नहीं होंगे हमारी एक दिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए, क्योंकि महंगाई के अकॉर्डिंग जो है जो मनी की वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। तो महंगाई अगर आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो जितना रॉ मटेरियल आप पहले खरीदते थे जितने पैसे में, आज उतना रॉ मटेरियल नहीं मिलने वाला, मजबूरन आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल अगर 5-10% भी रेट बढ़ते हैं तो आपको 5-10% अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाएँ और आपका प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। आई जस्ट होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।